हेलो बच्चों, मैं दीप्ति शर्मा। आज आपको पहले अपन ने इसके पहले वाले अध्याय में अपन ने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था। आज अपन अर्थशास्त्र में मांग पढ़ेंगे, डिमांड। मांग का अर्थ तो आप समझते हो बच्चों, मांग मतलब किसी भी वस्तु की मांग। अपन कैसे मांग सकते हैं, है ना? अपन को अपने दैनिक जीवन में हर दिन आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को मांग ही कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं। मांग शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में समान अर्थों से कुछ अलग होता है। अर्थों में मांग शब्द से तात्पर्य इच्छा से होता है। यदि आप स्कूटर कॉलेज जाना चाहते हैं और स्कूटर की मांग करेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? मांग। मांग शब्द का समान अर्थ यही होता है, परंतु अर्थशास्त्र में यह मांग नहीं कहलाएगी। इसके लिए आवश्यक है स्कूटर खरीदने की इच्छा के साथ साथ खरीदने के लिए पास आपके पास साधन भी होने चाहिए। एक वस्तु की मांग वह मात्रा है जिससे निश्चित कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदा जाए। जैसे आपको किताब पढ़नी है, 12वीं कक्षा की बुक पढ़नी है, तो जब आपकी आवश्यकता है 12वीं कक्षा की बुक, तो आप उसको विशेष रूप से खरीदेंगे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? मांग। प्रोफेसर बेहन के अनुसार दिए हुए मूल्यों पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा होती है जो किसी विशेष समय पर उसे खरीदी जाती है। तो मांग की तीन आवश्यकताएं होती हैं। तो पहला कैसे बेटा? मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। मतलब मांग प्रभावपूर्ण मतलब अपन को इच्छा हुई, प्रभावपूर्ण मतलब अपन को आवश्यक है ना, प्रभावी है, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसकी उस वस्तु की इच्छा होती है, अपन मांग कर बैठते हैं। दूसरा होता है मांग एक निश्चित कीमत पर की गई मात्रा और निश्चित समय के आधार पर मांगी गई मात्रा। तो मांग की तीन आवश्यकताएं हैं। पहला, मांग प्रभावपूर्ण होता है। दूसरा, मांग निश्चित कीमत पर होती है। और तीसरा, निश्चित समय के आधार पर होती है। मांग तथा आवश्यकता में भी अंतर होता है बेटा। आवश्यकता और मांग, आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर यह है बेटा इसमें कि आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं, अर्थात इस वस्तु की इच्छाएं, इच्छा को पूरा करने के साधन, व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। ये नहीं कि अपन ने इच्छा की, मांग की, पर अपन को उसको खरीदने में मतलब उसके साधन नहीं है, तो कैसा अपनी वो अपनी मांग कैसी हो जाएगी बेटा? नहीं, ऐसा नहीं। जबकि मांग में तीनों बातों के अतिरिक्त निश्चित कीमत, निश्चित समाप्ति का उल्लेख होना चाहिए। तो ये आपने मांग और आवश्यकता में अंतर देखा। अब पढ़ेंगे बेटा मांग कितने प्रकार की होती है। तो मांग तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। तो पहला है कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। कीमत, आप कोई भी वस्तु खरीदोगे पहले बेटा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगी? वस्तु की कीमत। जब आपके पास साधन होंगे तभी आप किसी वस्तु को खरीद पाओगे ना। ऐसे ही अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय मांग कीमत की मांग से होता है। किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जो अन्य बातें समान एक उपभोक्ता के लिए निश्चित समय में विभिन्न काल्पनिक कीमतों पर खरीदने को तैयार की गई उपभोक्ता की आय। मतलब अगर वस्तु को खरीदना है तो सबसे पहले उपभोक्ता की क्या होनी चाहिए? आय। फिर आप अपनी रुचि, फैशन से संबंधित वस्तुएं और कीमत इत्यादि को परिवर्तन नहीं होता। मांग और कीमत का उल्टा संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो क्या हो जाता है बेटा? मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। दूसरा है बेटा आय और मांग। आय से तात्पर्य वस्तु की सेवाओं से, मात्राओं से है। उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न स्तर पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अपन केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीदते हैं, लेकिन उस पर अपन को अपनी आय पर वो निश्चित होती है। अभिप्राय होता है बेटा उपभोक्ता को रुचि, स्वभाव और वस्तु और सेवा मूल्य, मतलब उस वस्तु का कितनी, आपके पास वस्तु का मतलब कितनी उपयोगिता है और आप उसका मूल्य दे सकते हो, तो वो आपकी आय पर निश्चित करता है। जिस प्रकार मूल मांगों और मूल की मात्राओं के संबंध को व्यक्त करता है, वैसे ही आय आय की मात्रा के संबंध को भी बताता है। तीसरा है बेटा आड़ी मांग। आड़ी मांग से अभिप्राय है किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है
जो संबंधित वस्तुओं सेवाओं की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, वस्तु विशेष की कीमत पर स्थिर रहती हैं। संबंधित वस्तुओं की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन मतलब एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज का उपयोग। जिन वस्तुओं का मूल एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं, जैसे चाय या कॉफी। अगर चाय नहीं है बेटा तो कॉफी, अगर चाय का मूल्य बढ़ जाएगा तो लोग कॉफी पीने लगेंगे, और अगर कॉफी का मूल्य बढ़ जाएगा तो चाय, तो उसे कहेंगे प्रतिस्थापन वस्तुएं। एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग या कमी में वृद्धि कर देता है। दूसरा है पूरक वस्तु। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक रूप से प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं, जैसे पेन और स्याही। जैसे पेन के बिना स्याही, और मतलब अगर स्याही है तो पेन की कोई वो नहीं है फिर, इसलिए पेन है तो स्याही बहुत आवश्यक है। कार और पेट्रोल इत्यादि, ये क्या है बेटा? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मूल्य पर मांगी गई मात्रा के उल्टे संबंध से होता है। एक वस्तु में कमी दूसरी वस्तु में वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी कर देता है। उदाहरण के लिए कार की कीमत बढ़ने पर साथ साथ पेट्रोल की मांग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जब कार महंगी हो जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, और पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद बेटा अब अपन पढ़ेंगे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, मतलब कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले है वस्तु की कीमत। आप किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले आप कीमत पूछते हो ना, है ना भाई, कितने का है भैया ये, ऐसा पूछते हो ना कि ले लेते हो पहले? नहीं, पहले पूछोगे वस्तु की कीमत। आप कुछ भी खरीदते हो तो भैया कितने का है, ऐसा कहते हो ना? इसी प्रकार सबसे पहले मांग को निर्धारित करने वाला तत्व है बेटा वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है कीमत। कीमत के परिणाम स्वरूप उसकी मांग परिवर्तन हो जाती है। प्राय वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर घटती है। तो सबसे मुख्य कारण है वस्तु की कीमत। मांग का नियम कीमत पर आधारित होता है। दूसरा है बेटा उपभोक्ता की आय। किसी भी वस्तु खरीदने के लिए सबसे पहले आय, अपने पास उतनी अर्थव्यवस्था है कि नहीं, है ना? कोई वस्तु खरीदने के लिए सबसे पहले अपना आय का होना भी बहुत जरूरी है। अपने पास अगर आय नहीं है और अपन सोचे यार ये खरीद ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। वस्तु की मांग की जाने पर उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन, आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मतलब किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और आय कम होने पर वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा है धन का वितरण। आज समाज में धन का वितरण असमान है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये भी वस्तु की मांग को क्या करता है? प्रभावित करता है। धन का वितरण असमान है, विपरीत धन के समान वितरण अर्थात गरीबी अमीर के बीच की दूरी अधिक नहीं, तो आवश्यकता और आरामदेह वस्तुओं की मांग भी कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। फिर है उपभोक्ता और रुचि, मतलब उपभोक्ता की रुचि कैसी है, वो कैसे उपयोग करेगा किस वस्तु का, सोच किस आवश्यकता है किस वस्तु की। तो उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत और रीति रिवाज। रीति रिवाज से तात्पर्य बेटा कोई भी त्यौहार आएगा तो उसके अनुरूप अपन उसको वस्तु का उपभोग करेंगे और वस्तु की मांग बढ़ेगी। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की मांग कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे लोग कॉफी की अपेक्षा चाय को अधिक पसंद करते हैं, तो चाय की मांग कैसी हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। कॉफी की मांग बढ़ जाएगी तो चाय की मांग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये उपभोक्ता की रुचि के अनुसार ही होता है। पांचवा है बेटा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। तो किसी भी वस्तु की कीमत मांग संबंधी वस्तुओं की कीमत पर होने में परिवर्तन को प्रभावित करती है। प्रतिस्थापन, जैसे चाय, कॉफी, चाय की कीमत में कमी होगी तो कॉफी की कीमत कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉफी के स्थान पर लोग चाय अधिक प्रयोग करने लगेंगे। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की मांग बढ़ेगी। जैसे कार और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की मांग, इसके विपरीत पेट्रोल की कीमत कम होने पर काम
कार की भी मांग कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। फिर जनसंख्या, जनसंख्या किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि, तो वस्तु की भी मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा, भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से आशा होती है, वर्तमान में उसकी मांग कैसी होती है, बढ़ जाती है। अपन को अपन बहुत उपयोगी वस्तु होती है तो उनकी मांग कैसी होती है, बढ़ जाती है, उसी के हिसाब से उनकी कीमत में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन। इसके विपरीत भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत कम होती है, मतलब कम होने की आशा होती है, तो वर्तमान में मांग भी कैसी हो जाएगी, कम। फिर है सरकारी नीतियाँ, यदि सरकार करों में वृद्धि करती है, आय में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में भी क्या होगी, कमी हो जाती है। यदि सरकार व्यक्तियों को या वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक सहायता देती है तो आय में क्या होगी, वृद्धि, और वस्तु के मूल्य में कमी, तो ये वस्तु की मांग कैसी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जलवायु, किस क्षेत्र की जलवायु वस्तु की मांग पर प्रभावित करती है, उदाहरण ठंडी, मतलब जब ठंड होंगे तो अपन ठंडी वस्तु मतलब गर्म वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ठंडे वस्त्र मतलब ठंडी में गर्म वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या करते हैं बेटा अपन, ये जलवायु के आधार पर भी अपनी मांग बढ़ती घटती बढ़ती रहती है। तो अधिक से अधिक जबकि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में उनकी मांग कैसी होती है।